अभी तो भाषण चल रहा है, आप लोग जा रही हैं वापस? वापस नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ के सुनेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लास्ट में ना बच्चों को दबा देंगे, इसलिए वहाँ से बैठ के सुनेंगे हम लोग। सुना क्या बोल रहे हैं मोदी? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सुना आपने क्या बोले? वही सब घोटाले के बारे में बता रहे, जो जो कांग्रेस घोटाला के उसी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, महिलाओं के क्या मुद्दे, आप लोगों के क्या मुद्दे? हम लोगों का तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। क्यों भाजपा है? क्योंकि कांग्रेस ज्यादा मतलब अत्याचार कर दिए है, गरीबी दूर करेंगे, पक्का मकान देंगे गरीब लोगों को करके भाजपा आए। अच्छा, भूपेश बघेल नहीं कर रहे हैं? क्या किए? देखो, घर घर सबको शौचालय दिया है, अच्छे से किया है, हमारे में दोनों ठीक है। नहीं, बीजेपी वाला भी बहुत अच्छा है, कांग्रेस वाला भी अच्छा है, हमारे में हमको तो दोनों नेता अच्छा है। एरिया के जो है, हमारे एरिया के नीरज पाल जी है, बहुत सुनते हैं, वो अभी महापौर बने हैं, सेक्टर 5 में नीरज पाल है, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। किस पार्टी? नीरज पाल भी कांग्रेस का है, देवेंद्र यादव भी कांग्रेस का है, बहुत अच्छा काम किया सेक्टर 5 के लिए। हमारे एरिया में जो है सुनते हैं हमारी बात, वही बहुत बड़ी बात। आपके एरिया में कांग्रेस वाले काम करते हैं? जी है? जी। क्या काम किए? बहुत अच्छा काम किया, सड़क मार्ग का बना दिया, रोड को चमका कर रहे हैं, और झोपड़ी वालों के लिए सब सुनते हैं, बात सुनते हैं। अब जो चुनाव है, इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? चावल कौन दिया हमको, वो जीतेगा। चावल कौन दिया है? रमन सरकार दी थी, बाहर रोका गया लोग, बाहर रोका, डिवाइडेड कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं, मतलब जाम हो रहा है, और रास्ता चेंज कर रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कार्यकर्ता है भाजपा के? हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता है, रोका जा रहा है लोगों को। हाँ, लोगों को मतलब घुमाया जा, घुमा घुमा के परेशान करके रोक दे रहे वहीं पर। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ट्रैफिक जाम है, मतलब रोड ब्लॉके है, कई ऐसे जगह में मतलब किया जा रहा है, मतलब बहुत अवरोधक कर रहे, परेशान कर रहे हैं, ना आ पाए इसलिए रोका जा रहा है। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल। कितने लोग आए? हाँ, करीब मोदी जी का ये 1.25 लाख लोग होंगे। कितने लाख? 1.25 लाख ज्यादा होंगे, लाख 1.25 लाख बहुत ज्यादा होंगे, लगभग 10,000 से 20,000 लोग हाईवे में रुके हुए हैं। हाईवे को जाम करके डायरेक्शन चेंज करने के कारण लोग कंफ्यूज हो गए हैं, कई हजारों टेम्पो वहाँ रुके हुए, इस रास्ते में जाम लगा हुआ है, और भी लोग आ रहे हैं। हम लोग क्या यही के कुर्सी पार के भिलाई के, तो हम लोग को पता है, लेकिन से भिलाई में पब्लिक नहीं है। मोदी भक्त है सब, मोदी क्या होता है? मोदी भक्त क्या होता है? देश भक्त, राष्ट्र भक्त, मोदी भक्त, राष्ट्र हित में मतलब मोदी भक्त, तो मतलब जो राष्ट्रहित की बात करेंगे वो मोदी भक्त, मोदी भक्त है। कांग्रेस को जो जानने, राष्ट्रहित की बात कभी कांग्रेस ही नहीं करते, सिर्फ देश को लूटने का काम करते हैं, देश को बेचने का काम और देश को लूटने का काम। छत्तीसगढ़ की सरकार को देखो, लाखों का कपड़ा, जो कांग्रेस को वोट महिलाएं, देखो मेरे मोहल्ले की पूरे, मतलब मोदी को देखे बिना घर नहीं जाएंगे बोलते हैं। हमारे साथ हमारे मोहल्ले से 40 टेम्पू भर के महिलाएं आए सिर्फ मोदी को देखने, 40 टेम्पू भर के एक मोहल्ले से, टेम्पुआ कम पड़ रही थी आज। महिलाएं देखो अभी आप कौन लेके आए, कौन लेके आए आपको? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, हम लोग खुद आए हैं, हम लोग 10 गाड़ी आए हैं, महिलाएं सब अंदर में बैठी हुई है, मोदी को देखने के लिए आई हुई है सब। मोदी इतना अच्छा योजना निकाला है, इतना महिलाओं के लिए निकाला है, हम लोग सब मोदी मोदी मोदी। क्या काम करते हो? मैं मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हो, घर बनाते हो? कितना दिहाड़ी मिल जाता है? 500 रुपए। अच्छा, 500 मिल जाता है, 500 मिल जाता है। तो पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई ना, 9 तक की। 9 तक? उसके आगे क्यों नहीं की? उसके आगे फिर पापा का डेथ हो गया था ना, पापा का डेथ हो गया, उसके बाद छोड़ दिया। घर में और कौन कौन है? और मम्मी और मैं। मम्मी और तो वोट बन गया है, वोट बन गया है, वोट अभी प्रथम वो होगा, अभी बनने वाला है, बनने वाला है। कौन ठीक लगता है नेता? नेता मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी मतलब सबका भला चाहते हैं, और कांग्रेस जो है नेता वो सब क्या है, बुरा काम है, वो जो है बुरा काम है। क्यों बुरा है? मतलब मैं बोल नहीं पा। कांग्रेस तो कहती है कि हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, किया है, लेकिन वो बस दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बस किया काम। अच्छा, दिखाने के लिए किया है, सही काम नहीं किया है, सही काम नहीं किया है। मोदी जी क्या बोल रहे थे? मोदी जी वही संकल्प कर रहे थे, क्या हो गया, हो गया। क्या नाम भैया आपका? ओंकार मारकंडे, कार्यकर्ता है पार्टी के जी। पार्षद हूँ मैं, पार्षद है कुमारी से। कहाँ से? कुमारी पालिका से। यही से? कुमारी पालिका से।
तो आप अकेले आए और लोगों को ले गए? और आए ना। कितने लोग लाए? पांच गाड़ी लेके आए। पांच गाड़ी? ऐसे कोई टारगेट दिया जाता है कितनी गाड़ी लेके आए? कोई टारगेट नहीं है, कार्यकर्ता आए हैं अपने व्यवस्था किया वाहन का। पांच गाड़ी लोग लेके आए हैं। अच्छा, क्या बोले मोदी जी? मोदी जी किसानों के लिए बोले हैं, किसानों को 3100 देंगे, डायरेक्ट खाता में आएंगे नगद 3100 रुपया और 21 क्विंटल धान लेंगे। पहले जब सरकार तब तो लिया नहीं। अब भूपेश बघेल कह रहे हैं हमने किया तो हमसे ज्यादा दे रहे हैं। भूपेश बघेल ज्यादा कहाँ दिए हैं? वो तो डायरेक्ट वहाँ कहने से आ रहे हैं ना भाई, 2150 तो वहाँ से देने शुरू किए हमारा। ये तो सिर्फ 450 दे रहे हैं एक्स्ट्रा, बस वो भी 4 किस्तों दे रहे हैं। आपको देना है तो 2500 आप दो ना पूरा, 2100 अलग से हो देंगे केंद्र से। बघेल जो कहते हैं केंद्र पैसा नहीं देता है, चावल नहीं खरीदता है यहाँ का, चावल खरीद तब तो उस पैसा को दे रहे हैं ये बघेल जी। चावल पूरा ले रहा है, कैसे नहीं ले रहा है? पैसा वहाँ से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आवाज का पैसा वापस कर दिया खुद। तो जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो भी योजना है, जो भी चीजें आ रही हैं, सब नरेंद्र मोदी के नाम पे आ रही है। वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे चुनाव को लड़ा जा रहा है। चुनाव तो लड़ेंगे भाई, जो मुखिया उनके नाम से तो चलेंगे ना। हमारा एक निशान है, कमल छाप निशान है, कोई एक ही नाम से नहीं हुए, इसमें कमल छाप हमारा मुख्य निशान है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और संगठन तय करेंगे, देखते हैं बहुमत हिसाब से। अभी क्लियर नहीं है, रमन सिंह बनेंगे? नहीं, अभी संगठन तय करेंगे उसको, बहुमत आने के बाद में संगठन तय करेंगे। हमारे में ऐसा होता है। क्या करते हो? फर्नीचर काम, टीवी टाली। फर्नीचर काम? टोपी कहाँ से मिली? टोपी अपना है ना भाई, आया साथ में। किसके साथ आया? दूसरे है ना, गाड़ी में, गाड़ी में हम बस। उसकी गाड़ी में बीज मोहन अग्रवाल भिजवाए थे गाड़ी। अरे भाई यार, क्या नाम भाई? प्रमोद सिंह। क्या करते हैं प्रमोद भाई? भिलाई बापू नगर। करते क्या है? मैं अपना रोजगार करता हूँ। क्या रोजगार? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर जी। पार्टी कार्य करते हैं क्या? हाँ है, दिल से, दिल से, दिल से, मोदी जी से और प्रेम प्रकाश पांडे जी से। जी, क्यों मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते, इसलिए कि उन गरीबों को घर दिया। किसी प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं था कि हमारी बेटी बहनें बाहर में शौच करने जाती है। मोदी जी ने सोचा, हमारी माताओं बहनों को शौचालय दिया। कोरोना काल में कोई गरीब परिवार भूखे ना मरे, राशन दिया। यहाँ की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? वो 5 किलो राशन खा गया। ये भूपेश बघेल बोलती है, भूपेश बघेल की सरकार गोठान। मैं कांग्रेसी नेताओं को चैलेंज देता हूँ, आओ और चलो दिखाओ गोठान में कितनी गाय है। बिहार का मुख्यमंत्री चारा खाया था, अरे शर्म करो भूपेश बघेल, तुमने गोबर खा गया, गोबर में घोटाला किया, गरीबों का 5 किलो चावल खा गया। महादेव सट्टा, भिलाई नगर में प्रेम प्रकाश पांडे जी ने आई आई टी लाया, तुमने क्या लाया? महादेव आई टी लाया। इतना सब किया था तो पिछली बार हार कहे गए? लोगों को झूठे भ्रम में फैला करके, पैसा बांट करके। अभी परसों हमारे भिलाई नगर में देवेंद्र यादव के जो पार्षद हैं रीता सिंह गेरा, उनके ड्राइवर के यहाँ 5 करोड़ पकड़ाया है भाइयों, 5 करोड़ कैश वसीम, और 508 करोड़ ईडी ने सबूत दिया है कि 508 करोड़ हमने भूपेश बघेल को महादेव आईडी वालों ने दिया है। फैसला आप लोगों को करना है।